नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आप रिजल्ट को लेकर कोई वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। तो देखिए, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था। एक तो एक्टिव लापरवाही कर रहा है, ऊपर से उसमें भी एक कुछ भी आपको मैं बता दूं वो सही नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर जब इन्फॉर्मेशन आई है तो मैं वीडियो लेके आया हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ किस तरीके से रिजल्ट को लेकर गुड न्यूज़ आई है। साथ ही स्पेशल COP एग्ज़ाम को लेकर आप अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर तैयार हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट का सर्कुलर बहुत जल्द यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा AKTU की तरफ से, और एक और एग्ज़ाम डेट का सर्कुलर जारी कर दिया गया है AKTU की तरफ से। क्या है सारा माजरा, सारी चीज़ों को एक साथ कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी सबसे पहले दो सर्कुलर जो AKTU की तरफ से जारी किए गए हैं छात्रों के लिए उसको कवर करता हूं, फिर रिजल्ट को बात करूंगा, फिर आगे की अपडेट पे बात करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि सत्र 2023-24 में MTech, MPharm एवं MArc पाठ्यक्रम के रेगुलर व कैरी ओवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यार्थियों के डिजर्टेशन के मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षाओं के संबंध में, यानी कि छात्राओं के डिजर्टेशन का जो भी इवैल्यूएशन है, साथ ही वाइवा एग्ज़ाम को लेकर डेट शीट जारी कर दिया गया। यहां पे बताया गया नवंबर 2024 में आयोजित की जाने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के उक्त मैं आपको बता दूं कि सत्र 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में पंजीकृत छात्र छात्राओं के डिजर्टेशन का मूल्यांकन संबंधित ऑरेंज के बिंदु पॉइंट पर संपन्न कराया जाएगा। तो 3 पेज का ये जो सर्कुलर है वो इम्पोर्टेंट है तमाम छात्रों के लिए, जो भी MTech, MPharm या फिर MArc के स्टूडेंट हैं। अगर आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई सीनियर जूनियर कोई बच्चा है तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करना उसके पास, जिससे कि उस तक ये जानकारी पहुँच सके। बाकी का आपको बता दूं, थीसिस का जो प्लेगरिज्म है उसको चेक करना, तमाम सारी प्रोसीजर होती हैं। एक काम करूंगा, मैं सर्कुलर को टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो देरी कर रहे हो दोस्तों, ज्वाइन कर लो फटाफट से। चलिए दूसरे सर्कुलर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्थानों के सत्र 2024-25 के काउंसलिंग के उपरांत मैनेजमेंट कोटा रिक्त सीटों के फार्मेसी विषयों को छोड़कर उस पर ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन किए जाने के संबंध में। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका काउंसलिंग हुआ है, और फार्मेसी को छोड़कर तमाम बच्चे प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उन तमाम सारे कॉलेजेस में जहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की सीटें खाली हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो काम की है उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे समर्थ पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से आप कर सकते हैं, यानी कि आपको हर हाल में, अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं और आप समर्थ पोर्टल पर लॉगिन नहीं किए हैं अभी तक, तो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, बहुत ही सिंपल वे में 40 सेकंड में मैंने समझा दिया है कि रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, और आप कर लो बिना किसी गलती के। बाकी का आप लोग चैनल पे विजिट करके शॉर्ट सेक्शन में जब जाओगे तो शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिया है, समझ गए। चलो अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बचे हुए रिजल्ट्स के बारे में। तो बचे हुए जो रिजल्ट्स हैं वो AKTU की तरफ से, देखिए कहा तो गया है इसी वीक डिक्लेयर करने को लेकर, मगर ऐसा AKTU की तरफ से एक बार नहीं, पिछले 1.5 महीने से कहा जा रहा है कि इस हफ्ते उस हफ्ते इस दिन उस दिन, लेकिन जारी नहीं कर सक रहा है AKTU। अब जो भी वजह रहा वो अलग बात होगी, मगर छात्रों का जो सब्र है उसका बाँध टूट चुका है, वो अब हताश हो चुके हैं। अब वो और इंतज़ार और रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी लेना ही नहीं चाहते। फिर भी कई कमेंट्स आते हैं कि सर आप एक बार बताओ, इन्फॉर्मेशन लाओ कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट दोस्त 31 अक्टूबर 2024 के पहले AKTU ने ऑफिशियल तौर पे ये कहा था, VC ने भी कहा था, एग्ज़ाम कंट्रोलर ने भी, कि जारी कर दिया जाएगा। अभी आज 23 तारीख है, 7 दिन का वक्त बचा हुआ है। अब AKTU उस दौरान अगर रिज़ल्ट जारी करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कुछ कर नहीं सकते। जैसे इतना लंबा इंतज़ार किया वैसे 10 दिन में भी और इंतज़ार करना पड़ सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये तमाम सारी चीज़ें अब बढ़ेंगी। रिज़ल्ट आपका 7-8 दिनों के अंदर डिक्लेयर कर देगा AKTU। बाकी का स्पेशल COP एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो तो आप तैयारी अपना दुरुस्त कर लो, क्योंकि कभी भी आप समर्थ पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हो तो बहुत जल्द AKTU इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर जारी करेगा, और विद इन 10 डेज आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगा। तो आप एकदम तैयार रहो। साथ ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो भी डेट था वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है,
कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और समर्थ पोर्टल वाला जो वीडियो है उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है, यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन में वो अपलोड कर दिया है। साथ ही आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। जय।